हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? जिस तरह से करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग ट्रेन चलाने वाले हैं अमरावती से पुणे ऐसी सुपर फास्ट एक्सप्रेस। आज की जर्नी रहेगी अमरावती से बंढेरा जंक्शन के बीच, और ये जर्नी हम तय करेंगे 10 मिनट के 12 मिनट की जर्नी में। और अभी आज हम डाफ 7 इंजन के साथ एसी स्पेशल ट्रेन को चलाने वाले हैं, और हम लोग का सिग्नल अभी रेड है। शायद से कोई सामने से ट्रेन आ रही हो, इसके लिए हम लोग का सिग्नल अभी रेड पे खड़ा किया गया है। और बगल में सूरत सुपर फास्ट एक्सप्रेस खड़ी है, सामने आप लोग उस साइड में देख सकते हैं। तक हम लोग वेट कर लेते हैं सिग्नल का और ट्रेन आने का, उसके बाद हम लोग ट्रेन को डिपार्ट करेंगे। और ये हमारी ट्रेन आ चुकी है W5 को इंजन के साथ, और हम सफ़र कैसे है मुझे दिख रहा है। और इसी कारण हम लोग ट्रैवल सिग्नल को रेड के दिया गया था। इसके बाद स्टेशन पर पहुँचते हैं, प्लेटफॉर्म पर पहुँचते हैं, हम लोग का सिग्नल ग्रीन होने वाला है। उसके बाद हम लोग घर में जा कर डिपार्ट करेंगे यहाँ से। वीडियो में बने रहिएगा। हाँ दोस्तों, हम लोग का ये ट्रेन आते हैं, ट्रेन से ट्रेन मिल चुकी है, तो हम लोग यहाँ से ओपन दे के अभी तो डिपार्ट करते हैं। तो हम लोग की स्पीड लिमिट 65 km/h की मिली हुई है, तो हम लोग जैसे ही मिलने पर आएंगे 65 km/h की स्पीड को। अभी हम लोग ट्रेन की स्पीड 7 km/h है, और इसी स्पीड से हम लोग ट्रेन को पार करेंगे। और ये जर्नी होने वाली है अमरावती जंक्शन से, सॉरी अमरावती स्टेशन से बंढेरा जंक्शन के बीच। और बंढेरा को जंक्शन क्यों कहा जाता है आपको पता है तो कौन बताइएगा। तो बंढेरा जंक्शन हम लोग पहुँच गए, इस विषय पे चर्चा करेंगे। और हम लोग की एक और ट्रेन कर ले रही है, ट्रेन चेंज कर रही है। और ये शायद से हम सफ़र का को तो कोई हम ट्रेन है नहीं, बट सफ़र का इस बार कुछ लगा हुआ है, देखेंगे कौन सी ट्रेन है। उस साइड में W3D के साथ इस साइड W4D8 है, और इसके साथ सूरत सुपर फास्ट एक्सप्रेस का भी है। थोड़ी सी स्पीड है, हमारी ट्रेन ऑनलाइन पर आ चुकी है। बस एक और ट्रेन हमारी ट्रैक्शन करी है, उसके बाद हम ऑनलाइन पर एंट्री कर लेंगे। ऑडियो तो भी कैसे चल रही है आप बताइए मैंने। 5 km/h का स्पीड से ट्रेन कर ले रही है। ट्रेन को सेंड किया गया है, सेंड यार बनाया गया है हमारे यहाँ से। ट्रेन मिल चुकी है, ट्रेन को 65 km/h का चीज रखी है।
मतलब ट्रैक साउंड सुन सकते हो, काफ़ी अच्छा रहा ट्रैक साउंड, क्योंकि हम काफ़ी होता रेलवे की मेरा तो ट्रेन में जर्नी करते हैं, तो रेलवे का साउंड सुन के ट्रैक साउंड काफ़ी अच्छा लगता है। और ये बात सुनाए लोग सिग्नल नहीं चुका हम लोग को, मैं पैसे ट्रेन को धीरे कर लेती हूँ। और ये गेमिंग है इनको चलो भाई उनका गेम खेल ट्रेन को हम ट्रेन से मैंने बात किया था सारा ट्रेन को पता उनके चैन को ज़्यादा अच्छी बात कीजिए काफ़ी हमारे चैन से काफ़ी लगा था पीरियड से हो चुकी है यहाँ मेरे अप्लाई कर देते हैं शायद से यहाँ कुछ सामने ट्रेन की कर्व में पसंद देखेंगे फोटो के साथ जैसे ही जाते हैं लोग ये लसन मिल चुका था ये लोग बंद भी नहीं गए तो मुझे लोग हम जाकर यहाँ से डिपार्ट करते हैं मंडेरा जंक्शन की ओर। एक बार मैं आपको लोको कर्मी दिखा देता हूँ अंदर से, एक बार लोको के अंदर मैं चलते चलता हूँ आपको और ये देख सकते हैं लोको भी। और थोड़ी देर हम लोग इसी में ड्राइव करेंगे 65 km/h की बनी हुई है जिनसे मैं ग्रीन झंडी देख सकते हैं लोगों में। और ये वाटर बोतल और इस साइड इस ड्रेसिंग बटन है और ब्रेक बटन है और इंजन ब्रेक है और ये शायद फिर पूछ का ब्रेक हुआ और वो इंजन पे जो लाइट वगैरह का सिस्टम लगा हुआ है वो ऑन ऑफ का है सही, बाकी पेंटर वगैरह का सिग्नल है और कुछ स्टार्टअप का है इंजन स्टार्ट करने से मदद की जरूरत है। तो हम लोग शायद एक स्टेशन स्किप करने वाले हैं शायद ये बन अमरावती से ये दूसरी लाइन करती है जो है मैं इस रूट पर नया हूँ कुछ मुझे इतना इस रूट का पता नहीं है। और हम लोग फिर से उल्लू से मिल चुके हैं और यहाँ पे हमारी कौन ट्रेन का सब पैरलर एक्शन होने वाला है ट्रेन के लिए पैरलर एक्शन होने वाला है। ये सब हवा नागपुर न्यू मुंबई रेलवे अड्डे सड़क भी है हमारे ट्रेन से काफ़ी आगे चल रही है हमारे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे मंडेरा जंक्शन में सिर्फ 4 ही प्लेटफॉर्म है। पहले यहाँ मंडेरा जंक्शन में मीटर गेज और फिर ऐसा कुछ स्टेशन था वहाँ पर जाती थी बीच कलेक्शन बोलते हैं फिर देव जंक्शन तक मीटर गेज की ट्रेन जाती थी शायद से जहाँ मुझे इतना पता है। बाकी आप लोगों को मैं करके जरूर बताइएगा अगर पता हुआ तो इसका
कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं आपको छोटा ही वीडियो दे रहा हूँ। इससे आगे कोई बंडे रिजेक्शन से कोई सवाल तक की जर्नी सीट उनको मिलेगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग ब्रेक लगा देते हैं। सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत लग रही होगी तो आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँ। और आपको इस चैनल पे हर चीज़ की गेमिंग आने लगी है कुछ दिनों बाद। चैनल पर कमेंट करिएगा और अपना प्यार दिखाते रहिए।